कि मुझे मेरा किरदार तो अभी तक इन्होंने बताया नहीं है. सो आई हैव जस्ट कम हियर टू अटेंड द मुहूर्त एंड आई लाइक द नेम्स आर वेरी फैसिनेटिंग. इवन द डार्क हाउस इज वेरी फैसिनेटिंग एंड थ्री डेज ऑफ हॉरर इज ऑल्सो वेरी फैसिनेटिंग नेम. और एक बात मैं जरूर कहना चाहती हूँ कि अभी जैसे हम एंटर कर रहे थे, किसी ने कोई बात करी, कोई भी फिल्म छोटी या बड़ी नहीं होती. जो फिल्म अच्छी बनती है, जो फिल्म हिट होती है, वही बड़ी कहलाती है. जो फिल्म फ्लॉप हो जाती है वो छोटी कहलाती है. भले उसमें थैंक यू उसमें भले थैंक यू सो मच भले उसमें कितने भी बड़े आर्टिस्ट हो, सी उस बात का कोई महत्व नहीं रहता कि आपकी फिल्म में ये है किरदार, ये है इसलिए ये बड़ा स्टार है. लेकिन जब आपकी फिल्म फ्लॉप हो जाती है, नोबडी इवन नोज अबाउट इट. व्हेन इट केम, व्हेन इट डिसअपीयर्ड. सो इट्स नॉट द फिल्म, यू नो, इट्स नॉट द स्टार्स, रादर आई वुड से दैट. और बजट के लिए के साथ नहीं हम बोल सकते फिल्म बड़ी या छोटी है. इट्स अबाउट एंड हाउ इट बिकम्स हिट. सो दैट इज अ ह्यूज क्रक्स इज दैट, यू नो, होल थिंग. एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट दे आर डूइंग दिस काइंड ऑफ फिल्म. आई लुक्स लाइक अ थ्रिलर, यू नो, टू मी, बिकॉज आई बिलीव एज इन योर लैंग्वेज यू गाइस से स्मॉल एंड बिग फिल्म. सो आई थिंक द बेस्ट बेट इन दैट केस इज अ थ्रिलर. You know why? Because then you don't want even very recognized faces in that, right? And the script itself is a hero or heroine in that. And you know, a lot of burden is shifted because there's so many sections or bisections there. And director acha hai agar aapka aur टेक्नीशियंस अच्छे हैं और आपके जो कलाकार हैं वो अच्छे कलाकार हैं, मतलब जो अच्छे एक्टर्स हैं, तो आई बिलीव इट बिकम्स अ वेरी इजी जॉब, यू नो. एंड इवन टुडे इफ यू आस्क मी, इफ गिवन अ चॉइस कि दिस इज अ कमर्शियल फिल्म एंड दिस इज अ हॉरर फिल्म, इफ आई हैव टू गो टू थिएटर, आई रादर गो फॉर अ थ्रिलर, यू नो, इन दैट केस, यू नो, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ कमर्शियल फिल्म. आई एम नॉट सेइंग दैट थ्रिलर्स आर नॉट कमर्शियल, दे आर वेरी मच कमर्शियल. आई एम टॉकिंग अबाउट दोस द स्टार कैटेगरी फिल्म्स व्हिच यू टॉक अबाउट. आई विल स्टिल प्रेफर थ्रिलर्स, यू नो. सो दैट्स व्हाट इज माई टेक ऑन दिस. इस तरह की फिल्में कितना बिजनेस करती हैं? सी इट ऑल डिपेंड्स, यू नो, नाउ डेज आप तो मीडिया से हैं, मीडिया के सामने ये बात बोलना बहुत मुझे भारी पड़ेगा, लेकिन मुझे बोलना पड़ेगा क्योंकि आई बिलीव आज की रेटिंग है कुछ अलग तरीके से की जा रही है. इट इज यू ऑल नो इट, यू नो, माई सेइंग विल बी सप्लीमेंटिंग योर स्टेटमेंट्स ओनली. कितने स्टार देने हैं, कितने स्टार लेने हैं, वो सबको समझ में आता है बिकॉज आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ अवेयरनेस. लोग बहुत जानते हैं आजकल. और बाकी रही बात पैसे फेच करने की, लाइक यू नो, इफ योर फिल्म इज सोल्ड, यू नो, देयर सो मेनी थिंग्स नाउ. अर्लियर टेलीविजन वॉज नॉट देयर इन द पिक्चर, और लाइक यू नो, देयर वर नॉट सो मेनी चैनल्स. अभी आपका सेटेलाइट राइट बिकते हैं, उसमें पैसा आता है, एंड देन म्यूजिक फेचेज यू मनी, यू नो, एंड इफ यू हैव अ गुड डिस्ट्रीब्यूटर इन योर हैंड, दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग हेल्प, दैट इज द इन फैक्ट हेल्प. सो देयर लॉट ऑफ थिंग्स, यू नो, इट्स जस्ट नॉट स्टक टू वन थिंग नाउ कि फिल्म थिएटर में जाएगी और वहां से वापस आ जाएगी. थिएटर है, सेटलर राइट्स है, आपका म्यूजिक है, देयर सो मेनी थिंग्स, यू नो. सो हाउ मच मनी दे मेक, इट ऑल डिपेंड्स, यू नो, यू नो, एंड हाउ, दैट्स हाउ यू फेच योर मनी, दैट्स व्हाट आई फील. दक्षिणा जी अपना इंट्रोडक्शन देंगे, आप इस फिल्म से कैसे जुड़े? ये फिल्म मेरी है, एज अ प्रोड्यूसर ये फिल्म करने जा रही हूँ. और एट अ टाइम मैं दो फिल्में कर रही हूँ एक साथ, और दो पिलर है मेरे, एक डायरेक्टर साहब इधर बैठे हुए हैं, एक इधर बैठे हुए हैं. इन दो पिलर को लेके मैं आगे बढ़ रही हूँ, और इन दोनों के हाथों में मेरा सारा कुछ, मैंने ये दो सब्जेक्ट दे रखा है, और इन लोग ही बताएंगे फिल्म क्या कर रहे हैं, कैसे डिसाइड कर रहे हैं. तो रफत जी फर्स्ट फिल्म कर रहे हैं जो,
उसके बारे में रफत जी आप बताएं। पहले आपसे बात पूछना चाहेंगे, इससे पहले कितनी फिल्में आप बनाते? दिस इज माई फर्स्ट। आपने हॉरर मूवी से क्यों चुना कि हॉरर मूवी से स्टार्ट किया जाए? हॉरर मूवी इसलिए क्योंकि इजी बिजनेस होता है, इजीली आप इसको थिएटर में लॉन्च कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इसलिए मैं स्टार्टिंग करना चाह रही हूँ, कोई प्रॉब्लम से नहीं करना चाहती हूँ। स्टार कास्ट की बात करें, कौन कौन आपके स्टार कास्ट में? हमारे सारे न्यू स्टार कास्ट हैं। ट्रेनिंग आपको हमारे दोनों डायरेक्टर्स देंगे, क्योंकि ये दोनों उन्हीं के हाथों में मैंने सौंप दिया है। सर, मैं आप इस फिल्म का, डार्क हाउस फिल्म का डायरेक्टर हूँ, रफत अब्बास अली। और मैं इससे पहले काफ़ी शो लिख भी चुका हूँ, लाफ्टर चैलेंज, कॉमेडी सर्कस और टेढ़ी बात, काफ़ी कॉमेडी सब्जेक्ट भी लिखे हैं मैंने। फिल्म पहली बार हॉरर फिल्म कर रहा हूँ। किस तरह की मूवी है? एक्चुअली देखिए, हॉरर फिल्म किस तरीके, सबका तो जोनर तो एक ही रहता है, लेकिन एंटरटेनमेंट होना बहुत जरूरी है, ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें कोई मैसेज नहीं होता हॉरर में। सबका मैसेज एक ही होता है, वह है एंटरटेनमेंट। और हॉरर है तो ऑफकोर्स पब्लिक इसलिए देखने जाती है कि भाई हमें हॉरर मतलब डर कैसे लगेगा। मैं नॉर्मली तो मतलब सभी लोग हॉरर फिल्म बना रहे हैं, हमारी इस फिल्म में नया यह है कि ट्रीटमेंट बहुत ज़बरदस्त है हमारी फिल्म के अंदर, और मजा आएगा करने में। हंड्रेड परसेंट हम फैमिली के लिए ही बना रहे हैं। अब जैसे कि वो 90-20 मूवी आई थी तो फैमिली ने ही देखी, कोई जरूरी नहीं कि हम एक्सपोज करके ही या ये मूवी बना के ही हम लोग फिल्म रिलीज करें। एक थॉट हमारा क्लियर होना चाहिए कि हम किस लिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जब हम एक्सपोज करेंगे तभी पब्लिक आएगी। और हॉरर कोई जरूरी नहीं है, डर तो हम कभी भी लग सकता है। हम घर में अकेले हो तो हमें डर लगता है, तो उस समय तो हमें एक्सपोज दिखता नहीं, उस टाइम तो डर ही लगता है। तो वैसा ट्रीटमेंट किया हमने। रामगोपाल वर्मा हॉरर फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, उसको छोड़ के आप सब हॉरर फिल्में बनाने, रामगोपाल वर्मा बैठ गए बिल्कुल क्या बात? देखिए, बैठने के लिए तो राम से बदर्स भी बैठ गए, जबकि सब वहीं से मतलब हॉरर फिल्मों के अगर गॉडफादर माना जाए तो राम से बदर्स ही है। यस, उन्होंने ही इस इंडस्ट्री को हॉरर दिया है। राम से काफी टाइम से फिल्में नहीं आ रही है हॉरर मूवी। नहीं, वो आराम से बैठ गए हैं, अभी काफी बना चुके हैं। देखिए, ऐसा होता है, मैन होता है जोनर के ऊपर, जनरेशन जैसे जैसे चेंज होती है हमारी, वैसे वैसे एक हमारा जनरेशन डायरेक्शन में भी, डिपार्टमेंट में भी चेंज हो जाता है। सोच के ऊपर निर्भर है। पहले इतने टेक्निकल हमारे मजबूत नहीं थे, लेकिन अब देख लो, अपना विक्रम भट्ट भी हॉरर में आ गए, सब नए नए टेक्निशियन के साथ आ गए, जनरेशन के साथ आ गए, सब्जेक्ट लेकर आए हैं, तो वो है कि नहीं? अपन एक लाइन में इस फिल्म की स्टोरी ये है कि ये हॉरर है। देखिए, इस फिल्म की स्टोरी मतलब इन फिल्मों की अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट जितनी हॉरर फिल्में हैं सबका सब्जेक्ट कहीं ना कहीं से कनेक्ट होता है। डिपेंड करता है ट्रीटमेंट के ऊपर कि हम किस तरह का ट्रीटमेंट करते हैं। एक हॉरर था जो नॉर्मली चला गया, अरे एक होता है नॉर्मली जो डरा के चला गया। सब्जेक्ट है वो है एंटरटेनमेंट और हॉरर। मैं इनको बधाई देता हूँ, दोनों डायरेक्टर को बधाई देता हूँ, इन्होंने रिस्क लिया है। जहाँ अभी अभी आपने कहा रामगोपाल वर्मा जी बैठ गए, वो बैठे नहीं है, अभी भी चल रहे थे उधर बाहर, तो ये लोग बैठेंगे नहीं, ये न्यू जनरेशन है, इनके अंदर बहुत शक्ति है। नया हमेशा जो नया होता है जिसके अंदर, वो नया पावर लेके आता है, अपनी शक्ति लेकर ये लोग आ रहे हैं। खूबसूरत डायरेक्टर, खूबसूरत प्रोड्यूसर, सब अच्छे, मतलब छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, बच्चे मतलब हमारे लिए बच्चे हैं, और जरूर ये लोग बहुत अच्छा काम करेंगे। इस फिल्म में क्या भी नजर आने वाले हैं? अभी अभी इन्होंने बोला है आप दोनों फिल्म में नजर आएंगे। देखिए, कितनी फिल्में कर चुके हैं अभी तक आप? फिल्में हिंदी भोजपुरी मिलाकर, हॉरर डरावनी फिल्में अगर बात करें, डरावनी हॉरर भूत अंकल किया था, और एक दो और बीच में, जब जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आप लोग छोटे बजट की बात कर रहे थे, तो डुप्लीकेट जानू दुश्मन और उन दिनों एक समय चला था कुछ दिन कम बजट वाली फिल्मों का, तो उन दिनों में भोजपुरी हिंदी दो चार और, लेकिन हॉरर में मैंने सबसे अच्छा जो किया है वो कोई है जिसमें मैं गबरू था, और फिर कोई है हॉरर किया, शक्तिमान हॉरर, जूनियर जी हॉरर, सकालका बुम बुम,
हॉरर तो ये सब हॉरर मैंने बहुत सारी सीरियल मैंने किए हैं, अच्छे अच्छे सीरियल किए हैं। मैं यहाँ तो सिर्फ इनको आशीर्वाद देने आया हूँ, बधाई देने आया हूँ कि इनकी फिल्म सफल हो, ये सब लोग अच्छा काम करें। जितने भी अभी जो बोल रहे हैं सब नए नए चेहरे, ये सब कल पुराने चेहरे हो जाएंगे और सब बहुत अच्छे कलाकार होंगे। आपने बात की नए पुराने चेहरों की, आपको लगता है 90 की जो फिल्में हैं वही म्यूजिक दोबारा आ गया है, वही फिल्में एक टाइम का दरवाजा और फिल्में इतनी बनती थी, कहीं ना कहीं वो दोबारा दौर आ चुका है? ये तो समय का चक्र है, जो ऊपर है वो नीचे आएगा, जो नीचे है वो ऊपर जाएगा। बहुत सारी फिल्में पहले की फिल्में कागज के फूल और 90 के दशक का म्यूजिक अभी यूज किया जाए, मतलब ऐसा म्यूजिक बन रहा है फिल्मों में जो आ रहा है, बन रहा है और लोगों को पसंद भी आ रहा है। जिस तरह आप एक्सपोज की बात करें या फिर कपड़े, तो ऐसा नहीं कि आज के फिल्मों में एक्सपोज हो रहा है। हम पुरानी पुरानी फिल्में देखते हैं जब टीवी पर, उसमें भी देखते हैं कि वो हीरोइन ने क्या पहने थे, आज की हीरोइनें शर्मा जाती हैं। तो ऐसा नहीं कि आज की हीरोइनें ही एक्सपोज कर रही हैं, पहले की हीरोइनें भी एक्सपोज करती थी। पहले मीडिया नहीं था, इतने साधन नहीं थे पहले, हाँ पहले मीडिया नहीं थी, पहले लोगों तक ये सब बातें पहुंचती नहीं थी। फिल्म पर्दे पर आने के बाद लोगों को मिलता था, तो लोग देखते थे, चलो पूरे फिल्म में कम से कम आइटम्स वो देखने लोग पहुंच जाते थे। तो ऐसा एक्सपोज का जो झमेला है वो सब हटा दीजिए, इंटरटेनमेंट 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 बस। थैंक यू। और दोनों डायरेक्टर को बहुत बहुत बधाइयाँ, और हीरोइन की जैसी हमारे प्रोड्यूसर उनको भी बहुत सारी बधाइयाँ। वीरेंद्र जी, अपने इंट्रोडक्शन कौन सी फिल्म से है, नाम आपका? मेरी मूवी का नाम 3 Days ऑफ हॉरर है और मेरा नाम योगेश भाटिया और मैं इस मूवी का डायरेक्टर हूँ। सर, किस तरह की मूवी है और उसका काम की बात करें, स्टोरी क्या है? स्टोरी बेसिकली एक हॉरर मूवी है, बट ये हॉरर कहाँ से आया है, एक इमोशन यहाँ पे पूरी मूवी के अंदर एक इमोशनल स्टोरी है, एक इमोशंस परिवार से जुड़ी हुई, जिसका किसी को पता नहीं है, जो उसके स्टार कास्ट वगैरह किसी को नहीं पता कि एक्चुअली में स्टोरी क्या है। तो उसी स्टोरी को पूरा रिवील करने के लिए पूरा ब्रिज बनाया इन मेरे आर्टिस्ट लोगों ने और पूरी मूवी इसी तरह से चलेगी। है उनमें टैलेंट है, एक्चुअली जो मेरी स्टोरी है इसके अंदर मेरे को कॉलेज टाइप के स्टूडेंट चाहिए थे, जो कि इनके अंदर क्या ये नेचुरल खेल सकते हैं, और ये हॉरर मूवी के अंदर आप सारा कुछ नेचुरल ही होता है, नेचुरल एक्सप्रेशंस, जैसे वो रियल लाइफ में बातें करते हैं, जिस तरह से वो चीज़ों को ट्रीट करते हैं, मेरे को वही चीज़ें चाहिए थी और उसी हिसाब से मैंने इस मूवी की कास्टिंग की। म्यूजिक इसमें 3 गाने हैं, एक बैकग्राउंड स्कोर है और एक बैकग्राउंड सॉन्ग है पूरा, और एक लव सॉन्ग है और एक सैड सॉन्ग है, जो कि हमारे म्यूजिक डायरेक्टर जी है नवीन जावेड़ा, उन्होंने दिया। थैंक यू सर। स्टार कास्ट डाल दिया जाए, कोई भी है जिससे रात फिल्म, बहुत सारी फिल्में हैं,